एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी क्लास में बोर्ड पर नो का पहाड़ा लिखा। उन्होंने नो गुणा एक से लेके नो गुणा नो तक तो बिल्कुल बराबर लिखा था, लेकिन नो गुणा दस में उन्होंने 91 लिख दिया। इस बात पर क्लास में बैठे सारे स्टूडेंट्स उन पे हंसने लगे। जब वो चुप हुए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनसे कहा कि मैंने नो गुणा नो तक तो बिल्कुल बराबर लिखा था, तब तो आप में से कोई भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की आप सभी लोग मिलकर मुझ पर हंसने लगे। मतलब आप चाहे कितना भी परफेक्टली काम कर लो, लोग उस पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती पर लोग आपकी जान निकाल लेंगे। यही दुनिया का दस्तूर है। इसलिए गाइज, साधारण आलोचकों को अपने ड्रीम्स को मारने मत दो। गाइज, हम में से अधिकतर लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं और उन्हीं के आईक्यू लेवल से सबके आईक्यू लेवल का कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद किसको सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते थे? चलो मैं आपको बताता हूं। एक बार किसी रिपोर्टर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होना कैसा लगता है, क्या आप बताएंगे? तो उसके ऊपर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, आई थिंक ये सवाल आपको निकोला टेस्ला से पूछना चाहिए। गाइज, अगर निकोला टेस्ला नहीं होते तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हैं जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाते, इसीलिए साइंस कम्युनिटी उन्हें सबसे ज्यादा बुद्धिमान और जीनियस मानती है। गाइज, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।